तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग, जैसे कि अपने फोटो में बैकग्राउंड को ब्लर कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं और अपने फोटो में कुछ इस टाइप से बोके इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फोटो कितना ऑसम लग रहा है। तो बहुत ही इजी ट्यूटोरियल, आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, आप इजीली कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो वीडियो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस फोटो को शेयर करके चलेंगे स्नैपसीट के अंदर। तो शेयर पे क्लिक करेंगे एंड स्नैपसीट के अंदर इस फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद सिंपली इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हेलिंग ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस टाइप से जो है पेंट कर लेंगे पूरी ऑब्जेक्ट को एंड छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो है रिमूव हो जाएगा एंड डन करेंगे। एंड डन करने के बाद सिंपली बैकग्राउंड का जो कलर है इसको हम लोग चेंज करेंगे, ग्रीन टोन करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको कर्व ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो है ग्रीन कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ना बना है इसको ऊपर की तरफ आपको जो है कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ उठाना है आपको एंड डन कर देना है। डन करने के बाद फिर से आपको इस एरो ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू एडिट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद कर्व ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको जो है इसको कुछ इस तरह से जो आपने बैकग्राउंड के लीफ हो उसको कुछ इस टाइप से पेंट कर लेना है। एंड डन कर देंगे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है एंड उसके बाद इस एरिया को जो हम लोग ब्लू टोन में डालेंगे। तो इसके लिए सिंपली वाइट बैलेंस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से टेम्परेचर को -38 रख लेंगे एंड डन करेंगे। डन करेंगे और फिर से इस एरो पे क्लिक करेंगे एंड व्यू एडिट पे जो है क्लिक करेंगे एंड उसके बाद वाइट बैलेंस और प्लस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से जो है इसको 100 रखेंगे पहले और कुछ इस टाइप से ब्रश को चला देंगे एंड डन कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है हम लोगों के हो चुका है कलर ग्रेडिंग। अब उसको हम ब्लर कर देंगे। तो ब्लर करने के लिए लेंस ब्लर पे जो है क्लिक करना है एंड दोनों अपने फिंगर को कुछ इस टाइप से इसको छोटा कर लेना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो इसको नीचे करना है और बैकग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना आप ब्लर करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ 68 या 7 करीब ब्लर रखूँगा एंड यहाँ पर जो ग्राउंड है इसको जो है कुछ इस टाइप से यहाँ से जो है इस ऑप्शन पे हल्का सा जो है कुछ इस टाइप से और दोनों फिंगर से कुछ इस टाइप से बढ़ाएंगे और ग्राउंड को ब्लर नहीं करना है, कुछ इस टाइप से ब्लर करना है एंड डन कर देना है। तो दोस्तों बैकग्राउंड को ब्लर करने के बाद फिर से पेंसिल पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद इस बैकग्राउंड में हम लोग बोके इफेक्ट डालेंगे। तो बोके इफेक्ट डालने के लिए आपको सिंपली इससे डबल एक्सपोजर पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गैलरी की जितनी सारी फ़ोटो होगी वो आ जाएगी। तो सिंपली इस बोके इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद इसका ब्लेंडिंग कर देंगे चेंज। इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कर लेंगे लाइट कुछ इस टाइप से और यहाँ से हल्का सा ओपेसिटी कम कर सकते हैं अगर ज़्यादा लगता है बोके इफेक्ट का लाइट तो यहाँ से। उसके बाद डन कर देंगे। आप देख सकते हैं फाइनल जो है बैकग्राउंड ब्लर कर लिया लो, बोके इफेक्ट ऐड कर लिया लो। तो फाइनल जो है कम्प्लीट हो चुका है। अब इस बैकग्राउंड को हम लोग कर लेंगे सेव। तो इस डन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो दोस्तों सेकेंड स्टेप में आपको पिक्से प्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड उसके बाद गेट ए पिक्चर पर क्लिक करना है एंड उसके बाद गैलरी में जितने सारे फोटो को वो आ जाएगी गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों पिक्से प्रो एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के बाद आपको सिंपली इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और फोटो को फिर से इम्पोर्ट करना है। जो फोटो को ओरिजिनल जो फोटो है उसको इम्पोर्ट करेंगे कुछ इस टाइप से जो है इम्पोर्ट कर लेंगे एंड डन करेंगे। डन करने के बाद ये चीज़ जो है स्नैपसीड में भी कर सकते हैं। तो बट उसमें मैं क्यों नहीं किया हूँ क्योंकि उसमें जो है जूमिंग नहीं देता है। यहाँ पे जो है
एक एक बाल निकाल सकते हैं जूम करके, इतना ज़्यादा जूमिंग है। तो इस एप्लीकेशन की खासियत यही है कि बहुत ज़्यादा जूमिंग देता है और क्वालिटी जो है लॉस नहीं होती है इसमें। तो सबसे पहले आपको ब्रश को जो है इरेजर ब्रश को सेलेक्ट करना है और स्ट्रेंथ को 100 रखना है और साइज़ को कुछ इतना अपने हिसाब से साइज रखना है एंड उसके बाद परफेक्टली कुछ इस टाइप से रिमूव कर लेना है। अगर आपके बॉडी पे कुछ इस टाइप से रिमूव हो जाए तो इस ब्रश को सेलेक्ट करके इसको कुछ इस टाइप से रिमूव कर लेना है। तो चलिए मैं फास्ट करता हूँ। और सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हेयर को कैसे निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर को कैसे निकालना है, तो आगे आपको मैं बताऊँगा। पहले इसको रिमूव कर लूँगा पहले, उसके बाद ओके। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे से रिमूव कर लिया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अच्छे से फिक्स नहीं हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल। तो उसको कैसे फिक्स करेंगे, तो सबसे पहले इसका स्ट्रेंथ जो है कुछ इस तरह से कम कर लेंगे और साइज को 100 रखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टली जो है ब्रश को चलाएंगे तो ये जो है सॉफ्टली अच्छे से इरेज हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे इसको भी कुछ इस टाइप से जो है इसको मिक्स कर देंगे। ऐसे मिक्स करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से जो है हम इरेज कर लिए हैं। यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड को इरेज किया गया है या बैकग्राउंड को ब्लर किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट हो चुका है। तो एंड यहाँ से मैं डन कर दूंगा। तो इस फोटो को सेव करने के बाद चलेंगे लाइटरूम में, थोड़ी बहुत जो है कलर ग्रेडिंग। तो एक स्पॉट पर क्लिक करेंगे और सेव एज़ फाइल पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेंगे। सो दोस्तों थर्ड स्टेप में लाइटरूम में इस फोटो को इम्पोर्ट कर लेना है। तो सिंपली आपको ऑल फोटो पे क्लिक करना है, इस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले लाइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें हमको कंट्रास्ट को हल्के से इंक्रीज करना है, हाइलाइट्स को इंक्रीज करेंगे एंड शेडो को हल्का सा इंक्रीज करेंगे कुछ इतना एंड ब्लैक को कर देंगे कम। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं कलर ऑप्शन में, तो कलर ऑप्शन में आने के बाद वाइब्रेंस कर देंगे इंक्रीज एंड उसके बाद मिक्स ऑप्शन में जाएंगे। तो मिक्स ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से कपड़ा से मैच हो रहा है रेड कलर और लिप से, तो यहाँ से इंक्रीज कर देंगे कुछ इस टाइप से एंड इसका लुमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे हल्का सा कुछ इस टाइप से एंड उसके बाद यहाँ पे अपने फेस को वाइट कोरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा कम करूँगा एंड फेस को जितना वाइट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस टाइप से एंड उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा हमको जो है ग्रीन टोन करना है तो यहाँ पे ग्रीन टोन कर सकते हैं इसको कुछ इस टाइप से एंड सीएन कलर को जो है चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से एंड डन कर दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो फाइनल जो है फ़ोटो हो चुकी है कंप्लीट और आप देख सकते हैं कितना फ़ोटो जो है बेस्ट लग रही है। तो आई होप कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, जय जय भारत।